सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि छठ पर्व मेरे यहाँ धरती पर कब से मनाया गया, ये अहम भूमिका है। और इसमें जो कुल सामग्री जो यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, उसका क्या महत्व है। तो सबसे पहले जान लें कि अत्रि ऋषि की धर्म पत्नी सती अनुसुईया जी रही। सती अनुसुईया जी ने सबसे पहले इस व्रत को इस धारा धाम पर की थी। तो सती के जगह पर हमारे यहाँ के माँ बहने छठी छठी कहना शुरू कर दिए। और खास करके कार्तिक माह के इस शुक्ल पक्ष में षष्ठी के दिन इसको मनाया जाता है, इसलिए भी छठी छठी कहा जाता है। ये तो हमारे यहाँ ये शास्त्रीय और वैदिक दृष्टिकोण से इसकी उपमा है। बताया गया कि इसमें जो बांस का जो डाली है, सूप है, दौरा है, इत्यादि है, इसका प्रयोग क्यों और विशेष इसकी महत्ता क्यों? तो सिर्फ हम जानते हैं, आप जानते हैं, लेकिन इसमें पीतल के भी सूप वगैरह का भी प्रयोग किया जाता है, और जिसमें सूर्य भगवान को इसे अर्घ दिया जाता है। रहा बात की बांस की प्रधानता क्यों, तो वहां पर एक गीत में आया है कि पांच पुत्र एक धियावा मांगब हम जरूर, धियावा मांगब हम जरूर। इसी तरह से आगे जो भाव है इस गाना का, कहने का मेरा मतलब है कि सती अनुसुईया जी ने ये मांगी थी कि मेरा वंश वृद्धि हो। तो स्वयं वहां पर उनको मांगने से सूर्य भगवान की वह उपासना की थी और उन्हें पुत्र की प्राप्ति तथा पुत्री की प्राप्ति हुई थी। तो वंश शब्द से बांस का उपमा दिया गया है, इसलिए बांस के हर एक चीज को प्रयोग किया जाता है। साथ में हर एक ऋतु फल ऋषि महर्षियों को चाहिए था, इसलिए ऋषि पत्नी थी वह। तो स्वयं इस व्रत को भगवान सूर्य को भी अर्पण करना चाहिए और अपने भी जो उन्हें प्रसाद के रूप में लेना था, चूंकि ऋषि पत्नी है तो जो भी लेगी फल फलहारी ही लेगी, इसलिए सारे फलों को उन्होंने इसमें दी है और इस उपमा में आया है। सारे फल का प्रयोग किया गया है जिससे जो भी माँ बहने इस व्रत को करते हैं सभी फल को यूज करती हैं और सूर्य भगवान को भी देती हैं। रही बात कि सूर्य भगवान को आस्था जो देते हैं, तो उसमें पांच छह देवता ऐसे हैं जो सामने प्रकट हैं, जैसे सूर्य भगवान, ब्राह्मण देवता, गंगा माता, गौ माँ और अग्नि देवता, ये सारे प्रत्यक्ष में हैं। तो सूर्य भगवान को जिस तरह से सती अनुसुईया ने खुश करके और अपने वंश की वृद्धि के लिए जो याचना की थी और हुआ, ठीक उसी प्रकार से इस धारा की माँ बहने भी सती अनुसुईया जी के माध्यम से इस व्रत को सुन करके, देख करके और करके अपने पति के भी उम्र को बढ़ाती है और अपने गोदी को भी भरती है और अपने घर आंगन को भी अपने बाल बच्चों से खुशहाल रखती है। आया अब हुआ कि दौरा में भर के ले जाने से ये बताया जाता है कि जिस तरह से उस दौरा के अंतर्गत सारे फल फलहारी इत्यादि भरे पड़े हुए हैं, जैसे केला है, सेब है, सिंघाड़ा है और जितने भी ऋतु फल हैं वो सभी को भर लिया जाता है और घर में जो है से बनाया जाता है, जिसे हम लोग अगरौटा अपने यहाँ बोलते हैं, अन्य जगह पर जो भी लोग बोलते हों लेकिन झारखंड में हम लोग अगरौटा बोलते हैं, उसे भर के ले जाते हैं। और उस सारे दौरा को जब भरते हैं तो उसे पति के सिर पर रखा जाता है। बतलाया जाता है कि जिस तरह से पति देव उसको भर के रखे हुए हैं, उस तरह से अपने धर्म पत्नी को भी हर कार्य को भर के रखेंगे या उनके मांग को भर के रखेंगे।